गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है और इसके इसके अंदर अपन किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं? न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन ने जो पहले अपने टॉपिक हो चुके हैं लास्ट दो क्लासेस में, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है उसमें अपन ने किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें अपन ने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम है वो क्या होता है, एक अपनी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिससे अपन अपनी बॉडी के थ्रू कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है यूरिन के थ्रू अपन क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें था द यूरिनरी सिस्टम रेफर टू द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड कंडक्ट यूरिन टू द पॉइंट ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि इसके अंदर क्या है, यूरिन का प्रोडक्शन होता है और कहां तक जाता है, वो प्रोडक्शन होने के बाद यूरिन बनता है, यूरिन बनने के बाद जो सिक्रेशन की प्रोसेस है वहां तक की जो प्रोसेस है वो सारी की सारी किसमें आती है, अपनी यूरिनरी सिस्टम के अंदर आती है। और अपना जो यूरिनरी सिस्टम है वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, तो अपना जो यूरिनरी सिस्टम है वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, इसके अंदर दो किडनी है, दो यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, एक यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट होता है और एक यूरिथ्रा प्रेजेंट होती है। इन चीजों से मिलके क्या है, अपना यूरिनरी सिस्टम मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है किडनी। किडनी कहां पे प्रेजेंट होती है? किडनी जो है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर अपनी किडनी प्रेजेंट होती है, ये पैर में एक पैर के रूप में पाई जाती है, यानी कि दो किडनी अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। राइट साइड की जो किडनी है वो क्या होती है, यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, यानी कि राइट साइड की जो किडनी है वो क्या होती है, स्लाइटली लोअर होती है, किसकी तुलना में, लेफ्ट की तुलना में। किडनी जो है वो उसका शेप क्या होता है, बीन शेप ऑर्गन होती है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है, 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है और 150 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। ये किडनी की बेसिक चीजें हैं। उसके बाद अपना था ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो ग्रोस स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने क्या किया था, किडनी को तीन एरियाज के अंदर अपन ने डिवाइड किया था। किडनी को क्या है, अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं और किडनी को अपन ने क्या किया, तीन भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला पॉइंट अपना क्या था, फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी के अंदर जो चारों तरफ, चारों तरफ का जो पार्ट है वो किसका बना होता है, फाइब्रस कैप्सूल का, यानी कि जो फाइब्रस कैप्सूल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सराउंडिंग द किडनी। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पार्ट कौन सा होता है किडनी का, जो रेडिश ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है किडनी का, कॉर्टेक्स पार्ट होता है। नेक्स्ट था अपना मेडुला। मेडुला कौन सी पार्ट होता है, मेडुला होता है इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, मेडुला। तो ग्रोस स्ट्रक्चर के अपन अगर बात करते हैं तो किडनी को अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया, तीन भागों के अंदर उसको अपन ने तीन एरियाज के अंदर अपन के उसके टिश्यू को डिवाइड किया। सबसे पहला क्या था अपना, फाइब्रस कैप्सूल था। फाइब्रस कैप्सूल कहां पर प्रेजेंट होता है, जो अपनी किडनी के चारों तरफ का जो पार्ट है वो क्या होता है, अपना फाइब्रस कैप्सूल होता है। नेक्स्ट है अपना कॉर्टेक्स पार्ट, जो रेडिश ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है, जो लेयर होती है टिश्यू की, वो कौन सा होता है, अपना कॉर्टेक्स पार्ट होता है। इसके बाद पॉइंट आता है अपना मेडुला। मेडुला क्या होता है, जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है वही क्या होती है, मेडुला होती है। ये थे अपनी ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। इसके बाद अपना पॉइंट आता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो किडनी क्या है, माइक्रोस्कोप से अगर अपन किडनी को देखेंगे तो किडनी कितने भागों में डिवाइडेड मिलेगी अपने को, किडनी जो है अपनी 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट से मिलके क्या है, अपनी नेफ्रॉन के 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलके क्या है, अपनी किडनी बनी हुई रहती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे कलेक्टिंग ट्यूबल्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, ट्रांस यूरिन का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि जो किडनी है वो क्या होती है, अपने
1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलके बनी क्या है, किडनी बनती है। और इसके अंदर भी क्या होते हैं, कलेक्टिंग ट्यूबल्स पाई जाती हैं, जो क्या करते हैं, यूरिन को कलेक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्यूब्स जो होती हैं उनको सपोर्ट कहां से मिलती है, जो अपने कनेक्टिव टिश्यू हैं उनसे क्या है, उनको सपोर्ट मिलती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन है कंसिस्ट ऑफ ट्यूब क्लोज एट एंड टू अदर एंड ओपनिंग इनटू कलेक्टिंग ट्यूबल्स। यानी कि जो नेफ्रॉन है उसके कितने एंड होते हैं, 3 एंड होते हैं, ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और वो कहां पे आके ओपन होते हैं, अपने कलेक्टिंग ट्यूबल्स के अंदर आके ओपन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो कप शेप का जो डायग्राम होता है वो क्या होता है, अपना ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, ठीक है। इसको अपन ने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है, नेफ्रॉन को कितने भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों के अंदर अपन नेफ्रॉन को डिवाइड किया है। सबसे पहला अपना होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूबल्स, नेक्स्ट आता है अपना मेडुलरी लूप, लूप ऑफ फाइनले बोलते हैं जिसको, और थर्ड आता है अपना डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबल्स। यानी कि 3 एरियाज के अंदर अपन ने क्या किया, नेफ्रॉन को डिवाइड कर दिया। सबसे पहला क्या था, प्रोक्सिमल, सेकेंड क्या था, लूप ऑफ फाइनले, थर्ड क्या था, डीसीटी यानी डिजिटल कॉन्वोलुटेड ट्यूबल्स। इसके बाद अपना पॉइंट आया था सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स इन द किडनी, किडनी के अंदर, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स की सीरीज है वो कैसे प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले क्या होती है, अपनी रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी के बाद क्या होती है, वहां पे एफरेंट आर्टरियल्स आता है, एफरेंट आर्टरियल्स के बाद क्या आता है, ग्लोमेरुलस आता है, ग्लोमेरुलस के बाद क्या आता है, एफरेंट आर्टरियल आता है, और कैपिलरी नेटवर्क आता है, और अपनी रीनल वेन आती है। ये अपनी क्या है, इसके अंदर ब्लड की सीरीज रहती है। इसके बाद अपना पॉइंट आता है फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी के फंक्शन कौन से हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, यानी कि यूरिन की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड क्या है, वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट, यूरिन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है वाटर बैलेंस एंड नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो अपन ने कहां तक पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में अपन ने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, जहां पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वही क्या होता है, अपना अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। यानी कि सेमी परमेबल जो वॉल्स होते हैं ग्लोमेरुलस के, वहां पे क्या है, अपनी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, वही क्या है, अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। सेकंड क्या है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, अपनी जो किडनी है वो क्या करती है, 180 लीटर पर डे क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है पार्ट को। और उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के अंदर क्या है, उसका 98% तक क्या है, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में क्या होगा, जो अपनी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो है उनके अंदर क्या होता है, 65% जो टोटल रीअब्सॉर्प्शन था उसका 65% रीअब्सॉर्प्शन कहां पे हो जाता है, अपना पीसीटी के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है लूप ऑफ फाइनले। लूप ऑफ फाइनले के अंदर कितना परसेंट हो जाता है, अपना 25% जो है वो अपना लूप ऑफ फाइनले में हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना डीसीटी, यानी कि डिजिटल जो पार्ट्स है उनके अंदर क्या है, 5% हो जाता है, और कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट जो है उनके अंदर 2-3% हो जाता है। ये क्या था अपना, यहां तक की जो प्रोसेस थी वो क्या थी, अपनी सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस थी। नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है वो क्या है, सिक्रेशन। सिक्रेशन क्या होता है, सिक्रेशन की अगर अपन बात करते हैं तो जो भी फिल्ट्रेशन हुआ था, ठीक है, और फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन के अंदर क्या चीजें होती हैं, फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा, कुछ ऐसी ड्रग्स जो हैं वो क्या है, अपनी फिल्ट्रेट नहीं हो पाती और वो वहीं पे प्रेजेंट रह जाती हैं। तो वो क्या होगा, अपना यूरिन के थ्रू वो क्या है, बाहर निकल जाती हैं। यही प्रोसेस क्या होती है, अपनी सिक्रेशन की प्रोसेस होती है। तो एक बार अपन दोबारा से जो अपनी पहली क्लास हुई थी उनको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, साथ साथ उनके जो डायग्राम्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, जिससे क्या है कि जो चीजें हैं वो अपने क्लियर हो जाएंगी। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहला पॉइंट अपना क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन में क्या था,
जो अपना यूरिनरी सिस्टम है वो क्या है, एक अपना वन एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है किसका, बॉडी का, जिसके थ्रू अपन क्या है, जो अपना यूरिन जो है वो अपन बाहर निकालते हैं, ये क्या है अपना यूरिनरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्या है, द यूरिनरी सिस्टम रेफर टू द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड कंडक्ट यूरिन टू द पॉइंट ऑफ एक्सक्रेशन, यानी कि जहां से प्रोडक्शन होता है वहां से लेके और जो अपना बाहर निकलने की प्रोसेस जो है, एक्सक्रेशन की जो प्रोसेस है, वो सारी की सारी किसमें आती है, अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम के अंदर आती है। नेक्स्ट क्या है अपना किडनी, ये किन किन चीजों से मिलके अपना यूरिनरी सिस्टम मिलके बना हुआ है, तो इसके अंदर अपन ने बात की थी, दो किडनी होती हैं, एक लेफ्ट किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है, दो यूरेटर होते हैं, एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, एक राइट साइड में होता है, एक यूरिनरी ब्लेडर होता है जो क्या करता है, किडनी और यूरेटर, किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है, फिल्टर करने के बाद क्या करती है, जो मटेरियल बच जाता है उसको यूरेटर के थ्रू क्या करती है, यूरिनरी ब्लेडर के पास लेके आती है, और यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है, यूरिथ्रा के थ्रू उनको बाहर निकाल देता है। तो यानी कि ये इस सीक्वेंस में प्रेजेंट रहते हैं, सबसे पहले अपनी किडनी हो गई, उसके बाद अपना यूरेटर हो गया, उसके बाद अपना क्या हो गया, ब्लेडर हो गया, ब्लेडर के बाद क्या हो गया, यूरिथ्रा हो गया, यानी कि इनके थ्रू वो मटेरियल अपना बाहर निकल जाता है। मेन फंक्शन कौन से हैं किडनी के, फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ द यूरिन, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ द एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि जो एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन है वो क्या करता है, ऐसा हार्मोन है जो अपनी रेड ब्लड सेल जो है उनको क्या करता है, फॉर्मेशन में मेंटेन करके रखता है। रेनिन का प्रोडक्शन होता है, रेनिन का प्रोडक्शन होने के बाद क्या करता है, रेनिन क्या करता है अपना जो ब्लड प्रेशर उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना किडनी, किडनी की अगर अपन बात करते हैं तो ये किडनी का डायग्राम है, इसके अंदर क्या है, ये एडिनल ग्लैंड दिखाई गई है, ये ड्यूडिनम पार्ट दिखाया गया है, ये लीवर दिखाई गई है, स्टमक है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, जेजुनम है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और हेपेटिक फ्लेक्सर है। ये जो यहाँ पे दिखाई गई है रीनल आर्टरी है, ये इंफीरियर वेना केवा है, ये आयोटा है, जो आयोटा क्या एक मेन आर्टरी होती है जिसके थ्रू क्या होता है, फर्स्ट आर्टरी होती है किसकी, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की, ये क्या है अपनी रीनल वेन है, ये यूरेटर है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है किडनी की एनाटमी, किडनी क्या है अपनी जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किडनी इज लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे क्या अपनी किडनी सिचुएटेड रहती है। एक साइड में क्या होता है इसके, वन साइड, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम, ठीक है, बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम से नीचे की तरफ होती है, पेरिटोनियम की पीछे की तरफ होती है, वर्टिबल कॉलम हर के पास इसका वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट रहता है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 12 नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा से स्टार्ट होती है, 3rd नंबर की लंबर वर्टिब्रा तक जाती है। प्रोटेक्शन इसको कौन देता है, लोअर रिब्स कैजिस जो है वो क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्शन देते हैं। राइट साइड की किडनी है वो क्या होती है, स्लाइटली लोअर होती है, किसकी तुलना में, द लेफ्ट की तुलना में, यानी कि जो राइट साइड की किडनी है उसकी तुलना वो क्या है, यूजुअली स्लाइटली लोअर, यानी कि वो स्लाइटली लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी, यानी कि लेफ्ट किडनी की तुलना में। और शेप कैसा होता है इसका, बीन शेप होता है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है, 3 सेंटीमीटर थिक होती है, और 150 ग्राम क्या होता है इसका वेट होता है। ऑर्गन एसोसिएटेड की बात करें तो किडनी के चारों तरफ कौन से ऑर्गन होते हैं, राइट साइड की अगर बात करते हैं तो सुपीरियरली में क्या होता है, राइट एडिनल ग्लैंड होती है, एंटीरियरली में क्या होता है, राइट लोब ऑफ द लीवर, ड्यूडिनम, हेपेटिक फ्लेक्सर एंड कोलन, ये क्या है अपने एंटीरियर साइड में होते हैं किसके, राइट किडनी के। पोस्टीरियर की बात करते हैं तो पोस्टीरियर में क्या होता है, डायफ्राम होता है, मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि जो आपकी मसल्स हैं किसकी, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। लेफ्ट किडनी की अगर अपन बात करते हैं तो लेफ्ट किडनी में क्या होता है, सुपीरियरली में क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एंटीरियरली में क्या होगा, स्प्लीन होगी, स्टमक होगा, पैनक्रियाज होगी, जेजुनम होगा एंड स्प्लेनिक फ्लेक्चर होगा। पोस्टीरियरली में क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और जो आपकी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स होती हैं वो क्या है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं।
ग्रोस स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं तो ग्रोस स्ट्रक्चर में अपन ने जो किडनी है उसको कितने भागों में डिवाइड किया था, तीन भागों के अंदर अपन ने किडनी को डिवाइड किया था। तो उसके अंदर क्या था, सबसे पहला था अपना फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फाइब्रस कैप्सूल जो अपना किडनी के सराउंडिंग यानी किडनी के चारों तरफ का जो पार्टीशन है वो कौन सा होता है, अपना फाइब्रस कैप्सूल होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, जो रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर होती है किसकी, टिश्यू की, वो क्या है अपनी कॉर्टेक्स पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना मेडुला। मेडुला क्या है, जो अपनी इनर मोस्ट लेयर जो होती है वही क्या होती है, मेडुला पार्ट होती है। ये अपने इसके तीन एरियाज थे। इसके बाद अपना पॉइंट आया था माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, यानी कि माइक्रोस्कोप से अगर अपन किडनी को देखते हैं तो वो कैसी अपने को दिखती है। तो अगर अपन सेक्शन से देखते हैं तो सेक्शन में अपने को माइक्रोस्कोप से किडनी अपने को इस टाइप की अपने को अपनी किडनी दिखेगी। तो किडनी जो है वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है, अपनी किडनी इज कंपोज ऑफ अबाउट 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन की 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट से क्या है अपनी किडनी बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्मॉलर नंबर ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्स, यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कलेक्टिंग ट्यूब्स क्या करती है, द कलेक्टिंग ट्यूब ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू द पिरामिड्स, यानी कि जो अपनी कलेक्टिंग ट्यूब्स है वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसका, यूरिन का, किसके थ्रू, थ्रू द पिरामिड्स, यानी जो कि अपनी जो रीनल पिरामिड्स जो अपनी है उनके थ्रू क्या करती है, कलेक्टिंग ट्यूब्स जो अपनी है यूरिन का ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है जो रीनल पेल्विस जो है वो क्या करता है, गिविंग देम देयर सेपरेटेड अपीयरेंस, यानी कि उनको एक सेपरेट अपीयरेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। रीनल पेल्विस जो अपना है वो क्या करता है, इनको एक सेपरेटेड अपीयरेंस प्रोवाइड करवाता है, ये रीनल पेल्विस करता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है जो ट्यूब्स जो अपनी होती हैं उनको सपोर्टिंग कहां से मिलती हैं, द ट्यूब्स आर सपोर्टेड बाय ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो अपने कनेक्टिव टिश्यू जो है वहां पे वो क्या करते हैं, अपने अपनी सपोर्ट करते हैं किसको, ट्यूब्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और क्या करते हैं, कनेक्ट रहते हैं किससे, कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड की सप्लाई करती हैं, नर्व क्या करते हैं, नर्व सप्लाई करती हैं, और लिम्फेसल्स क्या करती हैं, जो अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है उसको मैनेज करती है, वो उनको देखती करती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की, और इनके थ्रू क्या है अपनी किडनी बनी होती है। तो नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन क्या है, कंसिस्ट ऑफ ट्यूब। नेफ्रॉन क्या है, अपनी ट्यूब से मिलके बना होता है, यानी कि ट्यूब से इनसे मिलके क्या है, नेफ्रॉन बना होता है, ठीक है। क्लोज और बाइंड एंड ए इनसाइडेड टू फ्रॉम द कप शेप ग्लोमेरुलर कैप्सूल, यानी कि ये जो अपना कप ग्लोमेरुलस जो है, कप शेप ये जो ग्लोमेरुलस है इनसे क्या है, ये जुड़ा हुआ रहता है। और इसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती है वो क्या होती है, एक पार्ट उसका दूसरे पार्ट से क्या है, जो अपनी ट्यूब प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, वो क्या होती हैं, एक पार्ट उनका दूसरे पार्ट से क्या है, कनेक्ट रहता है। और वो सारी की सारी कहाँ पे जाके ओपन होती हैं, अपनी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके वो ओपन हो जाती हैं, ठीक है। जो नेफ्रॉन जो है वो लगभग 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। नेफ्रॉन को अपन ने तीन भागों में डिवाइड किया, सबसे पहला क्या अपना प्रोक्सिमल पीसीटी, ये क्या है नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लूप ऑफ फेनले, ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, लूप ऑफ फेनले है, ये क्या है किसका, सेकंड पार्ट है, ठीक है। डीसीटी ये क्या है, डिस्टल कॉर्नेटर ट्यूब्यूल जो है ये क्या है, डीसीटी है, ये इसका थर्ड पार्ट है। ये कहाँ पे ओपन होते हैं, ये यहाँ पे आके ओपन हो जाते हैं। ये इसके तीन पार्ट है, पीसीटी, लूप ऑफ फेनले, डीसीटी, ये इसके क्या है, तीन पार्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ब्लड फ्लो कैसे होता है किडनी के अंदर, या सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स की सीरीज कैसे प्रेजेंट होती है अपनी
किडनी के अंदर, और जिसके कारण से क्या होता है अपने किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। तो ये क्या है, रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी क्या करती है, जितना अपना ब्लड था उसका टोटल का 20% क्या करती है, रीनल आर्टरी अपने अंदर खुद के अंदर ब्लड को फ्लो करती है। ठीक है, इसके बाद क्या करती है, द रीनल आर्टरी एट द हीलियम, द रीनल आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स, यानी कि हीलियम की हेल्प से क्या रीनल आर्टरी अपनी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक क्या होती है आर्टरी होती है, एक क्या होता है आर्टरियोल्स होता है। ठीक है, इन द कॉर्टेक्स एंड आर्टरियोल्स, इन द कॉर्टेक्स एंड आर्टरियोल द एफरेंट आर्टरियोल्स इंटर ईच ग्लोमेरुलर कैप्सूल देन सब डिवाइडेशन इनटू ए क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज क्या है सब डिवाइडेशन हो जाती है, और उसके बाद क्या एफरेंट आर्टरियोल जो अपना है वो कहां पे एंटर हो जाता है, ग्लोमेरुलस के अंदर अपना वो एंटर हो जाता है। द ब्लड वेसल्स लीड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज द अपरेंट आर्टरियोल। अपरेंट आर्टरियोल्स क्या करती है, इफरेंट आर्टरियोल्स क्या है ग्लोमेरुलस से ब्लड को रिसीव करती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये इट ब्रेक इनटू ए स्मॉल सेकंड कैपिलरी नेटवर्क सप्लाई टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द रिमाइंडर ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर जो पार्ट बच गए उनको क्या है कैपिलरी, कैपिलरी क्या होती है ए नंबर ऑफ मिनट, एक नंबर के अंदर आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स जब दोनों क्या होती हैं ब्रेक डाउन होती है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कहां पे लेके जाएंगी, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया नेफ्रॉन का वहां तक क्या है वो लेके जाएंगी। ठीक है, और वहां पे वो सप्लाई करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी के फंक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो किडनी के फंक्शन क्या है, सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट, और लास्ट थर्ड क्या है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, ये क्या है अपना किडनी के फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो यूरिन की फॉर्मेशन जब होती है तो वो तीन प्रोसेस के अंदर जाके क्या है यूरिन की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहला क्या होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, देन आफ्टर क्या होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, देन आफ्टर क्या होता है सिक्रेशन। तो अपन ने लास्ट क्लास में कहां तक डिस्कस कर लिया था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, यहां तक अपन ने क्या है डिस्कस कर लिया था। तो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है फिल्ट्रेशन होता है कहां पे, फिल्ट्रेशन टेक प्लेस थ्रू द सेमी परमेबल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल, यानी कि यहाँ पे क्या है सेमी परमेबल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उनके अंदर क्या है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्या है वॉटर एंड लार्ज मोलिक्यूल्स नंबर ऑफ ए स्मॉल मोलिक्यूल्स पास थ्रू द ऑल थ्रू सम आर रीअब्जॉर्ब लेटर, कुछ क्या है पास हो जाते हैं और कुछ क्या है रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ब्लड सेल प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या है अनेबल होते हैं किसके अंदर, यहां पे अपन ने क्या बात की थी कि वाटर और लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है पास हो जाते हैं, बट कुछ चीजें क्या है वो रीअब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, ब्लड सेल प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू फिल्ट्रेट, यानी कि ब्लड सेल प्लाज्मा प्रोटीन और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और क्या हो जाते हैं रिमेन इन द कैपिलरीज, यानी कि जो अपनी कैपिलरीज है वो वहीं पे प्रेजेंट रह जाते हैं। ठीक है, द फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलस इज ए वेरी सिमिलर टू कंपोजिशन टू प्लाज्मा विद द इंपोर्टेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। फिल्ट्रेशन इज एसोसिएटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस एंड प्रेजेंस ऑफ द फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलस कैप्सूल, यानी कि फिल्ट्रेशन होता क्या है, फिल्ट्रेशन क्या होता है फिल्ट्रेशन वो चीज होती है कि दो चीजों के बीच में, ठीक है, और जो प्रेशर होता है उसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जब दो चीजों के बीच में क्या होगा वहां पे डिफरेंस होगा, यानी कि वहां पे दोनों के बीच में प्रेशर आएगा, प्रेशर आने के बाद जो प्रोसेस होगी वही क्या होगी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे किस किस के बीच में आ रहा है, ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस प्रेशर एंड फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलस कैप्सूल, इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पे इफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल्स जो है उन दोनों के बीच में क्या है जो डिफरेंस है उनकी जो डायमीटर में जो डिफरेंस है
वही क्या है यहाँ पे, फिल्ट्रेशन करवाता है, बिकॉज द डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल इज लेस देन द एफरेंट आर्ट्रियोल्स, यानी कि यहाँ पे आर्ट्रियोल्स और इफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल दोनों के डायमीटर में क्या था, डिफरेंस था, इसी वजह से क्या है यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट आता है अपना कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है अपना 55 mm of Hg, क्या होता है अपना कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है अपना 30 mm of Hg, क्या होता है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है अपना 15 mm of Hg, क्या होता है अपना फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, नेट फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि नेट फिल्ट्रेशन रेट अपनी कितनी होती है। नेट फिल्ट्रेशन रेट की अगर अपन बात करते हैं तो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में से क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर और फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इन दोनों को जब अपन कम करेंगे, जब जो अपना बचेगा वो क्या होता है, नेट फिल्ट्रेट फिल्ट्रेशन प्रेशर प्रेशर होता है। तो ये कितना होता है 4 अपना क्या 55 क्या था अपना कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था अपना 30 था, फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना था अपना 15 था, तो अपना जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आएगा 10 mm of Hg, ये अपना क्या है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। इन द किडनी नेक्स्ट अपना आता है GFR, GFR क्या है, एक मिनट के अंदर अपनी किडनी कितना फिल्ट्रेट करती है, वही क्या है अपना GFR होता है। तो एक हेल्थी एडल्ट की किडनी कितना करती है 125 ml per minute में क्या करती है वो फिल्ट्रेट करती है, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं डे की तो 180 लीटर क्या है अपनी दोनों किडनी है वो क्या करती है पूरे दिन के अंदर क्या करती है फिल्ट्रेट करती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि फिल्ट्रेशन हो गया अपना कितना 180 लीटर क्या है अपना क्या हो गया फिल्ट्रेशन हो गया, अब क्या है अपने को रीअब्जॉर्ब कराना है। तो रीअब्जॉर्ब की प्रोसेस के अंदर पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल पार्ट जो है किडनी का वो कितना करता है यहाँ पे 65% क्या है रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये कितना करती है 25% क्या करती है ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है ये करती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है डीसीटी, डीसीटी कितना करती है 5% की कौन करता है डीसीटी करती है, और कलेक्टिंग कितना करती है अपना 2-3% जो है वो क्या करती है कलेक्टिंग डक करती है, ये अपना क्या है रीअब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी ने कितना किया 65% में किन किन चीजों करेगी H2O Na+, ठीक है। लूप ऑफ एनले किसका करेगी 25% ऑफ टोटल रीअब्जॉर्प्शन का, डीसीटी क्या करेगी 5%, कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगी 2-3% करेंगी। ये क्या था अपना सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और रिनल देयर होल्ड सम सब्सटेंस वेरियस अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड फॉर देम एट द टाइम एंड इन सम केसेस रीअब्जॉर्प्शन इज रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में क्या है अपना ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ठीक है। बट रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है कुछ हॉर्मोन्स जो है वो क्या करते हैं रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को अपना बढ़ाते हैं। तो यानी कि पैराथायराइड हॉर्मोन जो है वो कहां से रेगुलेट होता है, कहां से आएगा, कहां से जनरेट होगा, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करती है उसको सीक्रेट करती है। कैल्सिटोनिन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, कैल्सिटोनिन क्या करता है कहां से आता है अपनी जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है कैल्सिटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। और ये क्या करता है कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और अगर फॉस्फेट को रीअब्जॉर्प्शन की अगर बात आती है तो वो कौन करता है वहां पे अपना कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो करता है किसको रीअब्जॉर्ब करता है किसको कैल्शियम एंड फॉस्फेट को। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो कहां से आता है अपना फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पोस्टीरियर ग्लैंड का जो
पोस्टीरियर लोब की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से क्या है अपना एंटी डायबिटिक हॉर्मोन सिक्रेट होता है, और ये क्या करता है इंक्रीज करता है किसको, परमेबिलिटी को, यानी कि वो परमेबल का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे के अंदर क्रॉस होना, कहां से, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्स, ठीक है। और यहां पे क्या है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है फिर इसके थ्रू। नेक्स्ट आता है अपना एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन कहां से सिक्रेट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, क्या है अपना एड्रिनल एल्ड्रिस्टोन हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रेशन ऑफ पोटेशियम, यानी कि ये सोडियम को तो रीअब्जॉर्ब कर देता है, पोटेशियम को बाहर निकलवा देता है, ठीक है। ये कौन करता है अपना एल्ड्रिस्टोन हार्मोन होता है वो करता है, और कहां से सिक्रेट होता है अपना ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वहां से ये क्या है सिक्रेट होता है। इसके बाद क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रीअब्जॉर्ब ओनली द स्लाइटली, यानी कि ये थोड़ी थोड़ी क्या है रीअब्जॉर्ब हो जाती है, सब्सटेंस दैट आर नॉट नॉर्मल ब्लड कंसिस्ट ऑफ नॉट रीअब्जॉर्ब, ठीक है। द ब्लड पास थ्रू द ग्लोमेरुलस टू क्विकली फॉर फिल्ट्रेशन टू क्लियर सच एज सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड ट्यूबल सिक्रेशन इन द फूड। इसके बाद अपना टॉपिक क्या है आज का जो अपना टॉपिक था वो क्या था, सिक्रेशन। सिक्रेशन में क्या होता है फिल्ट्रेट अकर एज द ब्लड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलस, फिल्ट्रेशन कहां पे होता है ग्लोमेरुलस में होता है, ठीक है। सबस्टांस नॉट रिक्वायर्ड एंड फोरेजन मटेरियल्स एग्जाम्पल ड्रग्स इंक्लूडिंग पेनिसिलिन एंड एस्प्रिन, यानी कि ये कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो क्या है रीअब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। और ये क्या है कहां पे प्रेजेंट रह जाती है अपने ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेजेंट रह जाती है, ठीक है। और ये क्या है सिक्रेशन के थ्रू ही बाहर निकलती है। अपन ने बात की थी कि वहां पे 98% क्या है वहां पे फिल्ट्रेट हो जाता है, देन आफ्टर रिमेनिंग जो बचता है वो क्या है अपना फिल्ट्रेशन होने के, वो अपना सिक्रेशन होने के लिए क्या है अपने यूरिनरी ब्लेडर के अंदर क्या है प्रेजेंट रहता है, और वहां से यूरिथ्रा के थ्रू क्या है वो बाहर निकल जाता है। किडनी से कौन लेके आएगा, दो अपने यूरेटर हैं वो क्या करेंगे वहां से लेके आएंगे, ठीक है। सिक्रेशन के दौरान क्या है वो लेके आएंगे, लेके आने के बाद कहाँ पे छोड़ देंगे अपने ब्लेडर के पास छोड़ देंगे, और ब्लेडर क्या करेगा यूरिथ्रा के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा। ये प्रोसेस क्या है अपनी सिक्रेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी कि जो एक्सक्रीशन के दौरान जो अपना मटेरियल निकला था वही क्या था अपना यूरिन था। तो यूरिन के अंदर क्या होता है 95% क्या होता है वाटर प्रेजेंट होता है, और 5% सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर क्या है यूरिया होती है, ठीक है, क्रेटिनिन होती है, अमोनिया होती है, यूरिक एसिड होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, क्लोराइड्स प्रेजेंट होता है, सल्फेट प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीजें अपनी क्या है यूरिन के कंपोजिशन में प्रेजेंट होती हैं। तो जो यूरिन जो है उसके अंदर अपना क्या होता है 95% क्या होता है सॉलिड वाटर होता है, ठीक है, देन आफ्टर 5% क्या होता है सॉलिड मटेरियल होता है। सॉलिड मटेरियल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं अपनी, यूरिया आता है, क्रेटिनिन आती है, अमोनिया आता है, यूरिक एसिड आती है, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, ठीक है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, क्लोराइड्स प्रेजेंट होता है, सल्फेट प्रेजेंट होता है, और पोटेशियम प्रेजेंट होता है। ये सारी की सारी चीजें क्या है अपनी यूरिन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है यूरिन, यूरिन जो है वो क्या होता है क्लियर कलर का होता है, यूरिन इज ए क्लियर अम्बर कलर, किसकी वजह से होता है यूरिनोबिलिन की वजह से, क्या है जो अपना यूरिन है वो क्या होता है क्लियर कलर का होता है, ठीक है। ए बाइल पिगमेंट अल्टर्ड इन द इंटेस्टाइन रीअब्जॉर्ब देन द एक्सक्रेटेड बाय द किडनी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है यूरिन की 1.020 से लेके 1.030 तक क्या होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। पीएच कितना होता है 6, इसका क्या आता है पीएच होता है, ठीक है।
नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी, 4.5 से लेके 8 तक क्या है इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। एक हेल्थी एडल्ट जो है वो क्या करता है, यूरिन को पास करता है, तो कितना यूरिन पर डे पास करता है वो, 1 लीटर से 1.5 लीटर तक क्या है वो पर डे यूरिन पास करता है, ठीक है। ड्यूरिंग स्लीप क्या है, जो अपना यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसकी किस पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी डिपेंड करती है जो अपन फ्लूड का इनटेक ले रहे हैं, जो अपन इनटेक कर रहे हैं उसी पे क्या है डिपेंड रहती है अपनी क्या चीजें, उसी पे अपनी क्या रहती है फ्लूड इनटेक जो अपन लेते हैं उसी पे अपना क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो प्रेजेंट रहती है। देन आफ्टर अपना आता है वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट इन वाटर बैलेंस में अगर अपन बात करते हैं तो क्या होता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज व्हेन वाटर इंटेक इज इंक्रीज, यानी कि अगर वाटर का इंटेक ज्यादा रहेगा तो क्या है अपना यूरिन आउटपुट भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज व्हेन द वाटर इंटेक डिक्रीज, अगर अपना वाटर का इंटेक कम हो जाएगा ठीक है तो अपना यूरिन की वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर अपनी बॉडी में कहीं से फ्लूड का लॉस हो रहा है ठीक है तो भी क्या है अपने जो यूरिन का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। वाटर बैलेंस अकर व्हेन वाटर इनटेक इक्वल वाटर आउटपुट, ठीक है। बैलेंस क्या होता है, जितना इनटेक लेते हैं उसकी तुलना में अपन क्या बाहर निकालते हैं वही क्या होता है अपना ये होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। एंटीबायोटिक हार्मोन ठीक है ये क्या करती है, रेगुलेट करता है, ठीक है। और जो एल्ड्रेस्टोन है वो रेगुलेट करता है, ये क्या है अपना वाटर बैलेंस होता है। इसका सीधा सा मीन्स क्या है, जितना इनटेक अपन लेंगे उस हिसाब से अपना क्या है आउटपुट आएगा। यूरिन वॉल्यूम किस किस चीज से अफेक्ट होती है अपनी, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन ठीक है और एंटीडायुरेटिक की वजह से, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगी ऑस्मोटिक, ठीक है। ये अपना क्या है यूरिन सिक्रेशन हो गया अपना, ठीक है। यूरिन की फॉर्मेशन हो गई, वाटर एंड यूरिन का आउटपुट का मैनेज हो गया। नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी वो किस चीज पे होगी, यूरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे यूरेटर के बारे में, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि एक तो आप जो भी वीडियो जो आ रहे हैं ठीक है उनको अपने नोटबुक में नोट्स उनसे प्रिपेयर कर लें, जिससे क्या होगा कि आपके पास एक तो प्रॉपर नोट्स हो जाएंगे और जब भी आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगे उस टाइम पे क्या है आपकी ये जो नोट्स हैं ये कॉलेज में आपकी क्लास टीचर के द्वारा चेक किए जाएंगे। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक कुछ बच्चों ने कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे उनके पास वीडियो पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या है अपने को चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा ठीक है सर्वर पे तुरंत आपके पास क्या है सूचना मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करो, जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करो, ठीक है। जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगी, यूनिट कंप्लीट होने के बाद क्या है आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बताए जाएंगे, ठीक है, जिससे आपकी पढ़ाई और इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास अपनी किस पे होगी, यूरेटर पे होगी, ठीक है। यूरेटर की अपन ने बात की थी, यूरेटर क्या होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर दो यूरेटर होते हैं, ठीक है। बाकी सस्पेंस में अपन अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।